पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बलिया के दुर्जनपुर गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह को चाहे पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया हो, लेकिन लखनऊ से सड़क के रास्ते बलिया आते हुए रसड़ा में लोगों ने पटाखे फोड़कर और फूल मालाओं से इनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नेता का सम्मान अपने कार्यकर्ता के लिए जान देना है और पार्टी के बड़े नेताओं से बात हो चुकी है, जल्द ही वो सब कुछ होगा जो मैं चाहता था। दरअसल सुरेंद्र सिंह ने परिजनों की तरफ से दूसरे पक्ष पर एफआईआर दर्ज कराने की लगातार मांग की थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत हुआ, फूलमालाएं पहनाकर पटाखे फोड़कर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि दुर्जनपुर गोलीकांड के बाद मनोज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी बलिया से इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सुरेंद्र सिंह की, ये तस्वीरें, और सुरेंद्र सिंह वही विधायक हैं जो कुछ दिन पहले आरोपी धीरेंद्र के पक्ष में नजर आ रहे थे, यहां तक कि आंसू भी बहा रहे थे, क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं ये? जी बेशक, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह विधायक दुर्जनपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी के पक्ष में आकर खड़े हुए। इसके बाद हालांकि पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, तमाम सारी चीजें सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नाराजगी जाहिर की थी सुरेंद्र सिंह के व्यवहार पर, वक्तव्यों पर। जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप विधायक का बावजूद इसके, लेकिन अगर इसका एक राजनीतिक पहलू अगर पक्ष, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि अखिलेश अगर यादव का पक्ष लेते हैं तो मैं भी ठाकुरों का पक्ष लूंगा, तो यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी एक खेमा बनता जा रहा है, जहां ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। और अगर उनके विरोध में अगर पार्टी कोई एक्शन लेती है तो निश्चित रूप से पार्टी को चाहेंगे कि क्या ये जो वेलकम है, ये जो स्वागत है, ये आरोपी धीरेंद्र सिंह का पक्ष लिया, उनके लिए आंसू बहाए? बेशक, जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह ने पकड़ लिया और इसके बाद करणी सेना और तमाम क्षत्रिय महासभा वगैरह कई सारे दल जो है आकर समर्थन किए जो है मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह का, तो निश्चित रूप से जो एक खास जाति विशेष के जो लोग हैं वो जो जिनको वो प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उस पक्ष के लोग जो है वो बहुत खुश हैं कि किसी तरह उनके उनकी बात को जो है सुरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से और दमदारी के साथ सामने उठाया। तो ये उसी पक्ष के लोग थे और उन्होंने सुरेंद्र सिंह का स्वागत किया। बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी हाईकमान ने नाराजगी जताई, लेकिन कहीं भी बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है पार्टी हाईकमान की नाराजगी का। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करती है इस पूरे मामले पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।